नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 31 दिसंबर 2019 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम हिंदू के दो और लाइव मिनट का एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे देश के इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में, उसके बाद हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। GS पेपर 3 में एक टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से संबंधित, वो टॉपिक आपका कवर हो जाएगा आज के डिस्कशन से। और सबसे लास्ट में हम आर्ट एंड कल्चर से संबंधित एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ये बीच में जो बड़ा सारा आर्टिकल है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल देश के इकोनॉमिक इश्यूज से संबंधित है, आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज के समय में देश के ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल सर्कल्स में एक सेंस इमर्ज होकर आ रही है कि इंडिया अब पहले की तरह गरीब देश नहीं रहा, इंडिया काफ़ी डेवलप कर चुका है। चाहे प्याज की प्रॉब्लम हो या फिर फाइटर जेट की शॉर्टेज हो, इंडिया अपने आप से इन प्रॉब्लम से निपट सकता है। लेकिन देखो, राइटर का ये बोलना है, सच्चाई ये है, आज भी इंडिया में गरीबी काफ़ी ज़्यादा है। मालन्यूट्रिशन की समस्या आज भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनरोल तो कर लेते हैं लेकिन एक दो साल के बाद ही वो स्कूल जाना छोड़ देते हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास डिग्रीज हैं लेकिन वो अनएम्प्लॉयड हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल कर ली है, इसके बावजूद उनकी जॉब नहीं लग पा रही है। देखो, ये बात सच है, डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी हमारे पक्ष में है, हमारे देश की पॉपुलेशन रिलेटिवली यंगर है, लेकिन ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमेशा हमारे पक्ष में नहीं रहेगा। और अगर इसे हमने ठीक से यूटिलाइज नहीं किया, यही डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे लिए आगे जाके खतरा बन जाएगा। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 129 आउट ऑफ 189 कंट्रीज, जबकि चाइना की जो रैंकिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो है 85, और श्रीलंका की रैंकिंग तो चाइना से भी अच्छी है, 71। देखो, एक इल्यूजन ये है, अगर इंडिया की GDP देखें परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, तो इंडिया की GDP पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है चाइना और USA के बाद। लेकिन देखो, ऐसा इसलिए भी क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, जबकि पर कैपिटा GDP परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हमारी काफ़ी कम है। इंडिया की पर कैपिटा GDP परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से ओनली 43% है चाइना की पर कैपिटा GDP की, और 59% है इंडोनेशिया की पर कैपिटा GDP की। हमारी जो पर कैपिटा GDP है वो वियतनाम से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वियतनाम अभी साइनिंग स्टार है एजुकेशन में, एजुकेशन काफ़ी अच्छी है वियतनाम में, तो शायद जल्द ही वियतनाम इंडिया को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वियतनाम की जो रैंकिंग है हमसे अच्छी है। इवन देखो, हमारी पर कैपिटा GDP फ्रांस और UK से तो बहुत ज़्यादा पीछे है, जबकि फ्रांस और UK का जो साइज़ है वो तमिलनाडु, राजस्थान, इन स्टेट्स के बराबर है। हमारी GDP परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से आसियान कंट्रीज़ की GDP का 80% है, जबकि आसियान की टोटल पॉपुलेशन हमारी पॉपुलेशन का आधा है। और आसियान से देखो, अगर हम ये देश निकाल दें, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, तो आसियान की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, आसियान की पर कैपिटा GDP बहुत अच्छी हो जाती है। देखो, इंडिया के बारे में ऐसा कहा जाता है, चूँकि इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया के पास नेगोशिएटिंग पावर काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर जल्द ही इंडिया अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट नहीं करता है और अपने पोटेंशियल को रियलाइज नहीं करता है, तो ये कैपेबिलिटी इंडिया के पास हमेशा नहीं रहेगी। अपने एक रिसेंट ऐसे में RBI के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन ने लिखा, अभी हमें देखो बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स बनाने के बजाय फोकस करना चाहिए मॉडर्न स्कूल्स पर, मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ को बनाने पर, सिटीजन्स को मोर टॉलरेंट बनाने पर, ताकि वो कंपिटिटिव ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अपनी पहचान बना सकें और ज़्यादा इनोवेशन लेके आ सकें। लेकिन देखो, ये हमारी हमेशा से प्रॉब्लम रही है, हम अन इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और जिन चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए उन चीज़ों पर हम फोकस नहीं करते हैं। आज के समय में एशिया इंटीग्रेट हो रहा है, जिसका एग्जाम्पल है RCEP, लेकिन हमने RCEP को नहीं ज्वाइन किया। अगर इंडिया RCEP को ज्वाइन करता तो हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता था इसका। सिर्फ देखो, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के बारे में बात करने से कुछ नहीं होगा, ये ड्रीम रियलाइज़ करने के लिए हमें एक विज़न चाहिए, हमें
एजुकेशन पे ध्यान देना होगा, हमें यूथ को स्किल्स देने पर ध्यान देना होगा, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा जिससे सबका वेलफेयर हो और देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़े। कंक्लूजन में राइटर के द्वारा यही कहा जाता है कि RCEP को ज्वाइन ना करना, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन ना करना, ये इंडिया की भूल थी। क्योंकि अगर इंडिया इस एग्रीमेंट को ज्वाइन करता तो हमारे देश में प्रॉस्पेरिटी आ सकती थी। रमेश ठाकुर जापान टाइम्स में लिखते हैं, इंडिया के पास ऐसी कैपेसिटी है, इस कोट में सरकेज़म है, मतलब एक प्रकार से मजाक उड़ा रहे हैं रमेश ठाकुर। वो बोलते हैं, इंडिया के पास ऐसी कैपेसिटी है कि इंडिया अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल सामने से देखता है और बिना उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाए 180 डिग्री की डायरेक्शन में वापस लौट जाता है। मतलब उनका कहने का यही था, RCEP को ज्वाइन नहीं किया, इंडिया ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, फूड प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हो? जब देखो एग्रीकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, मीट, पोल्ट्री, फिशिंग सेक्टर या फिर इन्हीं से संबंधित दूसरे सेक्टर्स के रॉ प्रोडक्ट्स की इस प्रकार से प्रोसेसिंग की जाती है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उनकी जो ओरिजिनल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, और चेंज होने के बाद रॉ प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है जिसकी कोई कॉमर्शियल वैल्यू हो और जो बिल्कुल उचित हो एनिमल और ह्यूमन कंजप्शन के लिए। जैसे देखो मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, डेयरी सेक्टर का रॉ प्रोडक्ट क्या है? डेयरी सेक्टर का रॉ प्रोडक्ट है मिल्क, यानी दूध। दूध की हम इस प्रकार से प्रोसेसिंग करते हैं, दूध की जो फिजिकल और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं और दूध एक ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी कोई कॉमर्शियल वैल्यू हो और जो बिल्कुल उचित हो ह्यूमन और एनिमल कंजप्शन के लिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बटर। दूध से हम बटर तैयार करते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? दूध की प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो इस इंडस्ट्री को आप क्या कहोगे? ये एक एग्जाम्पल है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देखिए, सोयाबीन ऑयल, मीट पैकेजिंग, चीज़, बटर, कॉटन सीड ऑयल, केन सुगर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। देखो एक चीज़ आप याद रखिएगा, फूड प्रोसेसिंग जब हम करते हैं किसी रॉ प्रोडक्ट की, तो रॉ प्रोडक्ट में कोई चीज़ ऐड की जा सकती है, मतलब वैल्यू एडिशन हो सकता है, फूड एडिटिव ऐड कर सकते हैं, रॉ प्रोडक्ट को ड्राई कर सकते हैं, या फिर सिंपली हम रॉ प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ भी अगर इंक्रीज करते हैं तो वो भी फूड प्रोसेसिंग में शामिल होगा। समझ गए? मतलब हम रॉ प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं या फिर उसमें कुछ ऐड करते हैं, सब कुछ ये सारी जो चीज़ें हैं वो फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आएंगी। सिग्निफिकेंस क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की? सिग्निफिकेंस देखो काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहला पॉइंट ये है, इकोनमी के दो अहम पिलर्स के बीच लिंकेज इस्टेब्लिश करने का काम करता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इकोनॉमी का एक पिलर एग्रीकल्चर और दूसरा पिलर इंडस्ट्री, दोनों के बीच लिंकेज इस्टेब्लिश करता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। क्योंकि एग्रीकल्चर के रॉ प्रोडक्ट्स को की प्रोसेसिंग इस प्रकार से की जाती है कि उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। फार्मर्स की इनकम को डबल किया जा सकता है इस इंडस्ट्री पर ध्यान देके। और हमने ये भी डिस्कस किया था, जो एनिमल रियरिंग है वो भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है किसानों की इनकम को डबल करने की डायरेक्शन में। नेक्स्ट रिड्यूस माल न्यूट्रिशन। अब देखो रॉ प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग इस प्रकार से की जाती है कि आवश्यक जो विटामिन या फिर मिनरल्स हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं और बाद में बच्चे या फिर अडल्ट जब उनको कंज्यूम करते हैं तो उनको आवश्यक न्यूट्रिशन मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है माल न्यूट्रिशन की समस्या को रिड्यूस करने में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का रोल काफ़ी अहम हो सकता है। रिड्यूस फूड वेस्टेज। अगर देखो फूड प्रोसेसिंग इस प्रकार से होती है कि प्रोडक्ट्स की जो सेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है तो फूड वेस्ट होना काफ़ी कम हो जाएगा। अभी तो देखो फ्रूट्स हैं, सब्जियाँ हैं, इनकी सेल्फ लाइफ कम होती है अगर कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जाता तो फूड की वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर इनकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है और लंबे समय तक इन्हें स्टोर करके रखा जाता है तो वेस्टेज जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट बूस्ट ट्रेड एंड अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज। जैसे देखो बासमती राइस है, बासमती राइस की जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा है मिडिल ईस्ट में, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं,
कुछ वैल्यू एडिशन करके या फिर सेल्फ लाइफ इंक्रीज करके, तो इससे हमें बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज का रेवेन्यू जो है वो प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट, कर्बिंग माइग्रेशन। अभी देखो, ग्रामीण इलाकों से लोग जाते हैं शहरों की तरफ रोजगार प्राप्त करने के लिए, जबकि ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं ये तो रूरल एरियाज में इस्टाब्लिश की जा सकती हैं, और वहाँ पर अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इस्टाब्लिश होंगी तो लोकल जो युवा लोग हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, तो वो माइग्रेट नहीं करेंगे शहरों में। तो माइग्रेशन के फेनोमेनन को कर्ब करने में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट, कर्बिंग फूड इन्फ्लेशन। अब मान लीजिए देखो, फूड प्रोडक्ट्स की सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो गई है तो उन्हें स्टोर करके रखा जा सकता है, और जब उनके दाम मार्केट में बढ़ जाते हैं तो उन्हीं स्टोर्ड प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारा जा सकता है, इससे महंगाई नहीं आएगी। लेकिन अगर सेल्फ लाइफ कम होगी तो सोच के देखिए, स्टोर करके नहीं रखा जा सकेगा और एकदम से इन्फ्लेशन आ जाएगी, तो फिर इन्फ्लेशन को कम करना मुश्किल साबित होगा। नेक्स्ट है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी ज़्यादा होगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से, क्योंकि देखो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में तरह तरह के प्रोडक्ट्स की आवश्यकता होती है, तो किसानों के पास भी एक इंसेंटिव रहेगा उन प्रोडक्ट्स को उगाने का, क्योंकि उनकी डिमांड होगी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की तरफ से, किसान अपने उन प्रोडक्ट्स को बेच सकेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकेगा अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को अच्छे से डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट, इन्हेंसिस द क्वालिटी एंड टेस्ट ऑफ फूड। सिंपल सी बात है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग इस प्रकार से होगी कि क्वालिटी और ज़्यादा इम्प्रूव की जा सकती है, और टेस्ट जो है फूड का वो भी इम्प्रूव किया जा सकता है आवश्यक एडिटिव्स ऐड करके। कंज्यूमर की जो चॉइस है वो भी इन्हेंस की जा सकती है। आज के समय में देखो, ये स्टोरेज का ही कमाल है कि साउथ इंडिया के प्रोडक्ट्स नॉर्थ इंडिया में बिकते हैं, नॉर्थ इंडिया के साउथ इंडिया में बिकते हैं, इवन जो फॉरेन कंट्रीज़ के रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं वो भी इंडिया में अवेलेबल हैं, और इंडिया के प्रोडक्ट्स फॉरेन कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं। तो कंज्यूमर के पास ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से। अब हम स्टेटस जानते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का, फिलहाल स्टेटस क्या है। देखो, वर्ल्ड में इंडिया का जो नंबर है वो सेकेंड है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन में। मतलब इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। बट प्रॉब्लम देखो ये है, जितना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम प्रोड्यूस करते हैं उसका सिर्फ 2% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्रोसेसिंग हो पाती है। प्रोसेसिंग हमारे देश में काफ़ी कम होती है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज काफ़ी कम है हमारे देश में। 8% मैरीन प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग हो पाती है, 35% मिल्क की प्रोसेसिंग हो पाती है, 6% पोल्ट्री प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग हो पाती है। लाइफ स्टॉक यानी पशुओं की पॉपुलेशन हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। वर्ल्ड में जितनी भैंस हैं उसका टोटल 50% भैंस सिर्फ इंडिया में है। वर्ल्ड में टोटल जितने कैटल हैं उसका 20% कैटल इंडिया में है, लेकिन फिर भी सिर्फ 1% मीट की प्रोसेसिंग हो पाती है, उनको वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। और 75% जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है फिलहाल हमारे देश में वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काफ़ी कम है। ये देखो कुछ कैटेगरीज हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, सीरियल या फिर पल्स मिलिंग, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज चलती हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की हमारे देश में? देखो, प्रॉब्लम्स को आप अलग अलग कैटेगरी पर देख सकते हो। फार्म लेवल प्रॉब्लम्स, मतलब खेत में किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है किसानों को। सिंपल है, आप लिख सकते हो फार्म प्रोड्यूस काफ़ी कम होती है, मतलब ईल्ड जो है, पैदावार जो है काफ़ी कम होती है, किसानों को रिटर्न्स कम प्राप्त होते हैं, और मटेरियल रिसोर्सेज का अभाव रहता है आवश्यक प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अभी भी फार्मिंग के लिए काफ़ी पुराने मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनपुट्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती, मतलब बीज अच्छे नहीं होते, फर्टिलाइजर्स अच्छे नहीं होते, वेदर काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर रहता है, कभी बारिश ज़्यादा आ गई कभी कम आ गई, स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होती किसानों के पास, उनको जल्द से जल्द अपनी प्रोड्यूस को मंडी में बेचना पड़ता है, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो फार्म लेवल पे किसानों को इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर प्रॉब्लम्स इस प्रकार से हैं, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है तो उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टोर करने के लिए वो अपर्याप्त हैं, इनएडुकेट हैं,
और फार्म प्रोड्यूस मतलब किसान अपनी जो फसल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उनकी क्वालिटी देखो हमेशा सेम नहीं रहती। कई किसानों की प्रोड्यूस की क्वालिटी अच्छी होती है, कईयों की अच्छी नहीं होती है, कुछ थोड़ी क्वांटिटी में देते हैं, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब फाइनेंसिंग के एस्पेक्ट से देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम्स आती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। अगर देखो दूसरे देशों से कुछ रॉ प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करना पड़ता है तो उन पर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ज़्यादा लगती हैं। रॉ मटेरियल और पैकेजिंग की जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। पैकेजिंग की कॉस्ट तो देखो काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से जो फूड प्रोसेसिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल नहीं हो पाती क्योंकि पैकेजिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट एंड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, ये पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है, इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट और कोल्ड स्टोरेज वाला। उसके बाद इनफ्रीक्वेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स, ऐसे कंटेनर्स जहाँ पर चीज़ों को जमा के रखा जा सकता है, रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटी उपलब्ध हो, वो कंटेनर्स उपलब्ध नहीं होते। तो ये उपलब्ध नहीं होते तो फिर एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है या फिर इम्पोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, देखो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा है जो बड़ी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं जैसे ITC, वो तो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर लेती हैं, लेकिन सोच के देखिए छोटी छोटी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं जो गाँव में हैं, वो TV में एडवर्टाइज नहीं कर पाती, वो रेडियो में एडवर्टाइज नहीं कर पाती, तो उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो पाती। और डोमेस्टिक मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे देश में, क्योंकि इनकम लेवल ज़्यादातर लोगों का कम है, तो वो प्रोडक्ट्स जिनकी प्रोसेसिंग हुई है वो ज़्यादा बिक नहीं पाते। ये पॉइंट आगे भी आएगा कि डोमेस्टिक मार्केट जो है वो हमारे देश में कम है। सबसे लास्ट में, कंज्यूमर किस बात से परेशान रहते हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं। वो कहते हैं देखो जितना पैसा हम खर्च करते हैं उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता, यानी जो प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं वो वैल्यू फॉर मनी नहीं होते, प्राइस वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा रहती है, कभी प्रोडक्ट्स सस्ते मिलते हैं कभी महंगे मिलते हैं, और सीजनल प्रोडक्ट्स पर अभी भी डिपेंडेंस है। लास्ट में, जो सेमी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जैसे थोड़ी बहुत जिनकी प्रोसेसिंग हुई हो और थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करनी पड़ती हो, ऐसे प्रोडक्ट्स की वैरायटी जो है काफ़ी कम है। जैसे देखो आजकल बने बनाए पराठे बिकने लगे हैं, बनी बनाई मैगी बिकने लगी है, तो ये सेमी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं कि थोड़ी बहुत इनकी प्रोसेसिंग हुई है, आपको गर्म करना है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स में वैरायटी कम है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसे प्रोडक्ट्स की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद हम जानते हैं रीजंस क्या है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारे देश में उतनी ग्रो नहीं कर पाई है जितना स्कोप है। पहला पॉइंट देखो ये है, ज़्यादातर हमारे देश में जो जनता है उनका इनकम लेवल कम है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते प्रोसेस्ड फूड्स को, क्योंकि प्रोसेस्ड जो फूड्स हैं वो महंगे बिकते हैं, और जैसा हमने पहले डिस्कस किया था पैकेजिंग की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनकी कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेडिशनली देखो हमारे देश की जनता फ्रेश फूड को ज़्यादा प्रेफर करती है बजाय इसके कि पैकेज्ड फूड, जबकि USA वगैरह में आपने देखा होगा कि रेडीमेड यानी जो प्रिजर्व फूड है पैकेज्ड फूड वो काफ़ी चलता है। नेक्स्ट रीज़न ये है स्लो ग्रोथ का कि हमारे देश में देखो फूड हैबिट्स का कोई नेशनल करेक्टर नहीं है, रीजन टू रीजन जो फूड हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। साउथ इंडिया में कुछ अलग चलता है, नॉर्थ इंडिया में कुछ अलग चलता है, ईस्ट इंडिया में अलग, वेस्ट इंडिया में अलग, लेकिन अच्छी बात ये है कुछ प्रकार के जो खाने हैं अब वो नेशनलाइज होते जा रहे हैं। जैसे देखो फास्ट फूड जो है जैसे समोसा वगैरह, ये अब देश में कहीं भी मिल जाता है, उसी प्रकार से कुछ वेस्टर्न फूड पिज़्ज़ा बर्गर ये भी पूरे देश में अब मिलने लग गए हैं। इवन देखो कुछ आइटम्स हर एक कल्चर के इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं कि वो अब देश के ऑलमोस्ट हर कोने में मिलने लगे हैं। जैसे पंजाबी खाना है छोले चावल राजमा चावल, ये साउथ इंडिया में भी आसानी से एक्सेसिबल हैं, जबकि साउथ इंडिया के प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल इडली डोसा ये अब नॉर्थ इंडिया में और देश के दूसरे कोनों में भी एक्सेसिबल हैं। तो मतलब हमारी जो कुछ फूड हैबिट्स हैं वो अब नेशनलाइज होती जा रही हैं, इवन चाइनीज़ फूड भी एग्जांपल हैं। नेक्स्ट रीज़न ये है स्लो ग्रोथ का, ट्रांसपोर्ट सेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कम्युनिकेशन अभी भी पुअर है। नेक्स्ट, नो रिलायबल कोल्ड चेन, कोल्ड चेन अगर देखो अवेलेबल हो तो प्रोडक्ट्स को आसानी से स्टोर किया जा सकता है, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स आइसक्रीम्स, इनको स्टोर करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए,
बट ऐसी कोल्ड चेन्स, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी हमारे देश में उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्नाइजेशन इज अनअफोर्डेबल। देखो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को अडोप्ट कर सकें, मॉडर्नाइजेशन को अडोप्ट कर सकें। बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं वो फिर भी अफोर्ड कर लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वालमार्टाइजेशन अभी भी हमारे देश में काफ़ी कम है। वालमार्टाइजेशन का क्या मतलब है? देखो वालमार्ट मतलब सुपरमार्केट। होता क्या है, अभी आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो आप उस चीज़ को परचेज करने के लिए मार्केट में जाते हो, बट आपने कभी ध्यान दिया होगा आप सुपरमार्केट में जाते हो, फॉर एग्जांपल वालमार्ट में आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को देखते हो। अगर देखो आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास पैसा है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप ऐसे भी खरीद लोगे जिनकी आपको आवश्यकता नहीं थी। मतलब आप गए तो कोई और चीज़ परचेज करने थे, लेकिन वो प्रोडक्ट्स आपको दिख गए, आपने उन प्रोडक्ट्स को भी परचेज कर लिया। तो इस चीज़ को कहते हैं वालमार्टाइजेशन, मतलब कंज्यूमरिज्म जो है वो बढ़ता है वालमार्टाइजेशन से, यानी सुपरमार्केट से। तो यूएसए में सुपरमार्केट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा वो सेल भी करते हैं, लेकिन इंडिया में अभी भी सुपरमार्केट कल्चर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं आया है। सुपरमार्केट हैं इंडिया में, ज़्यादातर शहरों तक सीमित हैं, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो छोटे दुकानदारों से सामान काफ़ी ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट हम जानते हैं चैलेंजेस। कुछ चैलेंजेस हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो लोग जो है वो जल्दी से विश्वास नहीं करते। लोगों को लगता है कि ये जो प्रोसेस्ड फूड हम खरीदेंगे तो इससे सेहत पर नुकसान पड़ सकता है। नेक्स्ट, लो वैल्यू एडिड इन प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के दौरान देखो वैल्यू एडिशन जो है काफ़ी कम होता है। अब फूड प्रोसेसिंग में वैल्यू एडिशन तो होना चाहिए ना, तभी तो जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से होगी, लेकिन वैल्यू एडिशन कम होता है। लो कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर्स की जो अवेयरनेस है न्यूट्रिशन के बारे में और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स के बारे में वो काफ़ी कम है। तो ये भी एक रीज़न है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उनकी ग्रोथ कम है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी टू कंट्रोल क्वालिटी एंड सेफ्टी। अभी देखो बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारे देश में चलती हैं फूड प्रोसेसिंग से संबंधित, लेकिन सरकारी जो मशीनरी है उनका रेगुलेशन अच्छे से नहीं कर पाती, तो अच्छे से नहीं कर पाती, कई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते और बदनाम हो जाती हैं सारी इंडस्ट्रीज। तो क्वालिटी को मेंटेन करना ज़रूरी है ताकि एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी की वजह से, फैक्ट्री की वजह से बाकियों का नाम खराब ना हो। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सजेशंस। सजेशंस देखो सिंपल हैं, अगर आपको प्रॉब्लम्स के बारे में पता है तो सजेशंस तो आप दे सकते हो। स्टोरेज कैपेसिटी इन्हेंस करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, ट्रांजिशन होना चाहिए। अभी 3-4 क्रॉप्स को ज़्यादा उगाया जाता है, जैसे राइस, वीट, मेज़, बजाय इसके आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लेके आओ और उन क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। किसानों को सपोर्ट दिया जाए ताकि किसान ऐसी फसल प्रोड्यूस करे जिनका यूटिलाइजेशन हो सके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। इस चीज़ को कहते हैं बैकवर्ड लिंकेज, मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो बैकवर्ड कैसे प्रोडक्ट्स हासिल कर, रॉ प्रोडक्ट हासिल कर रही है किसानों से। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसका एग्जांपल है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब पहले से फूड प्रोसेसिंग कंपनी और फार्मर्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि हमें इतना सामान चाहिए, इतना आलू चाहिए या फिर प्याज चाहिए और हम इसकी इतनी कीमत देंगे, तो इससे किसानों को भी सिक्योरिटी मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, दो लेवल पे स्किल देने की आवश्यकता है। एक तो देखो एग्रीकल्चर फार्म्स में, वहाँ पर देखो खेती में बेस्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जाए ताकि पैदावार अच्छी हो। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज में भी जो फूड की प्रोसेसिंग होती है वहाँ पे भी स्किल देने की आवश्यकता है ताकि प्रोसेसिंग अच्छे से हो। पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, सरकार भी इन्वेस्टमेंट करे और सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंकरेज करे कि भैया आप भी इन्वेस्ट कीजिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। कनेक्टिविटी बूस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल्स को जो मारा जाता है फूड पर्पजेज के लिए, इसके लिए प्रॉपर रूल्स होने चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो नई नई और डाइवर्सिफाइड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए। नेक्स्ट, डोमेस्टिक स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री को एंकरेज किया जाए एज कंपेरिजन टू इंटरनेशनल कंपनीज। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया जाए ताकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में और ज़्यादा रिसर्च हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, जो आने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए
अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश किए जाएँ और उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में नई टेक्नोलॉजी को अपडेट भी किया जाए। लास्ट पॉइंट, फिर से स्किल डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देने की आवश्यकता है। तो ये हमने कुछ सजेशंस डिस्कस किए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। अब ये कुछ स्कीम्स हैं जो सरकार के द्वारा चलाई गई हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। संपदा योजना आपको याद होगा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये काफ़ी सारी स्कीम्स को कंबाइन करके चलाई गई थी। मेगा फूड पार्क्स, इंटीग्रेटेड कोल्ड चैन, ये सारी स्कीम्स पहले चल रही थी तो इनको कंबाइन करके एक स्कीम में डाल दिया गया जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है इसको लिबरलाइज कर दिया गया है। अब ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI अलाउड है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। लास्ट में बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। देखो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का स्कोप है कि ये लाखों करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं और मालन्यूट्रिशन की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्री को इस प्रकार से डेवलप करने की आवश्यकता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का फायदा हो और दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी। तो इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है ताकि लोग जागरूक हों न्यूट्रिशन के बारे में और फूड जो अवेलेबल हो वो अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो, क्वालिटी अच्छी हो और सेफ्टी भी हो, सेफ भी हो फूड। तो इसमें देखो, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में विभिन्न स्टेक होल्डर्स को भी इंक्लूड करने की आवश्यकता है, जैसे प्राइवेट प्लेयर्स, एकेडमिया, इंडस्ट्री बॉडीज, गवर्नमेंट, जनता, सबको इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है जो इनिशिएटिव सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं उन्हें सफल बनाने के लिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ये जो है दिल्ली में, ये सेंट्रल विस्टा है। यहाँ पर सामने इंडिया गेट है और इंडिया गेट के बिल्कुल सामने राष्ट्रपति भवन है और राष्ट्रपति भवन के पास नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है जहाँ पर कई सारे मंत्रियों के ऑफिस हैं और प्रधानमंत्री भी यहीं से काम करते हैं। तो अब प्लान क्या है सरकार का? सरकार ये चाह रही है कि पार्लियामेंट की एक नई बिल्डिंग डेवलप की जाए और ये जो सेक्रेटरीट्स हैं राष्ट्रपति निवास के साथ, इनको म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाए। मतलब काफ़ी कुछ सरकार चेंज करना चाहती है इस पूरे एरिया में। ये जो पूरा एरिया बसाया गया था, ये देखो ब्रिटिशर्स ने बसाया था आज़ादी से पहले। देखो, ऐसा ही एरिया सेंट्रल विस्टा वाशिंगटन में भी है। जैसे यहाँ पर रायसेना हिल्स हैं, रायसेना हिल्स के ऊपर राष्ट्रपति निवास हैं, वहाँ पर कैपिटल हिल हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं और कल्चरली काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये एरिया, जो USA में कैपिटल हिल वाला एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखो, दोनों एरियाज को कंपेयर किया जाता है कि इंडिया में आज़ादी मिलने के बाद इस एरिया की कल्चरल सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। मतलब ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं इस एरिया में, सेक्रेटरीट में काम करते हैं, म्यूजियम काफ़ी कम है, जबकि USA के वाशिंगटन में जो कैपिटल हिल वाला एरिया है उसको कल्चरली काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डेवलप किया गया है। तो इस प्रकार से ये मेन बात बोली जाती है इस आर्टिकल में। और लास्ट में तीन सजेशन दिए जाते हैं। कौन कौन से हैं ये तीन सजेशन? पहला सजेशन, अभी देखो जो नेशनल म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम इंडियन हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी को कवर करता है। नेशनल म्यूजियम के साथ ही एक सिस्टर बिल्डिंग बनाई जा सकती है जो आज़ादी के बाद की हिस्ट्री को कवर करे, रिसेंट हिस्ट्री को, जैसे एमरजेंसी लगी, कम्युनल राइट्स, अयोध्या से संबंधित चीज़ें, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के पक्ष में या फिर खिलाफ में प्रोटेस्ट, इन चीज़ों को कवर करने के लिए नेशनल म्यूजियम के साथ ही एक बिल्डिंग बनाई जा सकती है। जैसे लॉस एंजल्स में एक बिल्डिंग है म्यूजियम ऑफ टॉलरेंस, यहाँ पर इस बिल्डिंग में एथनिक टेंशन से संबंधित यादें सहेज के रखी जाती हैं, जैसे ज्यूइश लोगों को मारा गया था कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, स्लेवरी, ब्लैक लाइव्स, रेसिज्म। तो इंडिया में भी एथनिक टेंशन से संबंधित यादों को सहेज के रखा जा सकता है एक अलग बिल्डिंग में। मतलब जैसा स्ट्रक्चर लॉस एंजल्स में है टॉलरेंस से संबंधित, उसी प्रकार का स्ट्रक्चर इंडिया में भी हम डेवलप कर सकते हैं जो कि होगा इंडियन म्यूजियम ऑफ टॉलरेंस। सेकेंड सजेशन राइटर ये देते हैं, लाइब्रेरी जो है अभी है तो सही, देखो हमारे देश में नेशनल आर्काइव्स, लेकिन वो कॉलोनियल इरा की है,
इतनी बड़ी नहीं है, इतनी डेवलप नहीं है, जबकि यूएसए में जो लाइब्रेरी है, यूएसए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट हर एक डॉक्यूमेंट या फिर बुक जो पब्लिश होती है मिलती है, डिजिटली उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो इंडिया में भी उसी प्रकार की लाइब्रेरी को डेवलप करने की आवश्यकता है। तीसरा सजेशन राइटर ये देते हैं, अभी देखो आर्ट को प्रमोट करने के लिए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है, लेकिन साइंस के क्षेत्र में आर्ट को नहीं डेवलप किया जाता इस सेंटर के द्वारा, तो ये जो सेंटर है वो इनकम्प्लीट है। मतलब साइंस के क्षेत्र में आर्ट को प्रमोट करने के लिए तो अलग अलग से सेंटर, नेशनल साइंस सेंटर। तो लास्ट में देखो राइटर के द्वारा यही फिर से बोला जाता है कि हमारे राइटर में का साइज काफी बड़ा है, पॉपुलेशन काफी ज्यादा डाइवर्स है, कल्चरल हेरिटेज हमारी काफी ज्यादा रिच है, तो उनको सहेज के रखने के लिए हमें तीन ये क्लस्टर, कल्चरल क्लस्टर इस्टेब्लिश करने चाहिए और लोग आए इन क्लस्टर्स में और अपने कल्चर के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, वो जाने अपने कल्चरल हेरिटेज के बारे में। ये हमने आज तीन इश्यूज डिस्कस किए और हमारी फिलहाल की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।